भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग कार्यकर्ता एवं नेता आदरणीय विनोद गोटिया जी, नाथू सिंह गुर्जर जी, नाथू सिंह जी पहुंच गए अभी आ रहे, राजेश सोलंकी जी, रापा टू उपाध्यक्ष जी, मेरे अपने गुना के जिन्होंने तीन पीढ़ियां देख ली है सिंधिया परिवार की, आदरणीय गोपीलाल जाटव जी, रामपत सिंह जी, गोपाल कुशवा जी, सरनाम सिंह जी, सज्जन सिंह जी, अशोक सिंह जी, उदयवीर सिंह जी, हिरन सिंह जी, रमेश जी, रामकुमार शास्त्री जी, मेरे साथ आए हुए मुरन्ना एवं भिंड के पूर्व सांसद, मुरन्ना के नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय अशोक अर्गल जी, और मेरे पास में खड़ा हुआ आपका प्रत्याशी तो है लेकिन आपका ही बच्चा है, आपका ही भाई है और आपका परिवार का सदस्य है, हमारे प्रभारीगण दोनों ब्रजराज सिंह जी और विनोद सिंह जी, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में जो मैं मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की असली शक्ति है देश में विदेश में तो वो द्वितीय शक्ति है। एक अपात्र शक्ति है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और दूसरी शक्ति मेरी जमीन की शक्ति, मेरे भारतीय जनता पार्टी का जमीन कार्यकर्ता जो यहां बैठा हुआ है। मैं खुद कहना चाहता हूं इन मन के आसीन मेरे सभी बुजुर्गों से, हर व्यक्ति मेहनत मशक्कत करता है पर जो नेता बनने का सौभाग्य किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो नेता बनने का सौभाग्य केवल इस पंडाल में हर टेबल के सामने बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता का पसीना की बूंद बूंद के आधार पर व्यक्ति जमीन से उठकर नेता बन जाता है। तो आज अगर मैं एक जनसेवक हूं, मैं मानता हूं कि जिंदगी में सबसे बड़ी उपाधि अगर किसी को ग्रहण करना है तो वो सबसे बड़ी उपाधि होती है नेता की नहीं, मंत्री की नहीं, मुख्यमंत्री की नहीं, सबसे बड़ी उपाधि अगर होती है तो वो जनसेवक की उपाधि होती है। और आपके सामने एक जनसेवक के रूप में मैं आप समक्ष मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान है मेरे सामने बैठे। मुझे क्या लगता है इस मंच में कई हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, विनोद जी बहुत इतिहास देखा है, मुझे क्या लगता है वो समय जब शुरुआत की थी मैंने पहले कदम लेने की, जनसेना के पथ पे सन 1984 में जब मैं 3 साल का बालक था, जब मेरे पुत्र पिताजी ने रामवरत सिंह जी, ब्रजराज सिंह जी ऐसे लोगों के साथ मुझे क्षेत्र में भेजा था, मास्क पहन लो पहले भैया, मास्क पहन लो, मास्क पहन लो, मास्क पहन लो, मास्क पहन लो, बड़ी खतरनाक बीमारी है, मैं संक्रमित हुआ हूं, मेरे दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना हो, बड़ी खतरनाक है, मास्क पहन लो। तालियां तो बजा दी,
लेकिन क्यों बजाई? इसलिए क्योंकि मैं दौरे पे निकला था, मेरे कहने का तात्पर्य अलग था कि इनके जमाने में जब हम बालक होते थे सन 1980 में, इनके जमाने में अरगल जी तो अभी भी नौजवान दिखते हैं, उस समय में जो हम लोग दौरे पे निकलते थे तब ये चार पहिए वाले गाड़ियां नहीं होती थी, ट्रैक्टर पे निकलते थे, साइकिल पे निकलते थे, बैलगाड़ी पे निकलते थे और पूरे दिन धूल खा के हम लोग वापस घर पहुंचते थे। और उस दमकने में सड़कें इतनी होती थी, गांव की भाषा में कहते थे, आजकल के तो बच्चे भूल जाएंगे, कहते थे भैया सड़क नहीं पकड़ंडी पकड़ लेना। सही 14 साल में तो शिवराज सिंह जी ने सारे पगडंडियां समाप्त करके ऐसे मजेदार मखमल की सड़कें बना दी हैं मध्य प्रदेश में मेरे भाइयों ने। सही है कि नहीं आपका? पर वो उत्पाद अलग था, लेकिन उस जमाने में एक बात मैं आपको कह दूं, एक बार अगर जुबान दे दिया ना तो सामने कोई भी आ जाए जान भी चले जाए पर जुबान न जाए ये वो असूल होता था। आज जमाने में कार्यकर्ता मेहनत करता है, मशक्कत करता है और आज जो उपचुनाव का वातावरण बना है ये उगलते में मत रहना आप लोग, ये उपचुनाव नहीं है, ये उपचुनाव नहीं है, ये महाभारत का युद्ध है मध्य प्रदेश के अंदर मेरे भाई बहन। सच्चाई है एक और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार है, झूठ है और वादा खिलाफी नहीं। मैं तो कहूंगा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की गद्दारी है प्रदेश की जनता के साथ। जवाब में से कई लोगों ने भी इस नौजवान को आशीर्वाद दिया था, मुझे याद है वो दिन गोहट की सभा में मैंने कहा था इनके पूज्य पिताजी नहीं रहे, ये नौजवान पुलिस की ड्यूटी में था, निकाल कर हमने चुनाव लड़ाया था, इनकी मां मेरे साथ खड़ी थी, आप भी तो भाव होते मुझे याद है और मुझे इसलिए एहसास है क्योंकि जिसकी वजह से इसके सिर के ऊपर से पिता का साया हटा था वैसे ही सिंधिया परिवार के मुखिया के सिर से ऊपर भी पिता का साया उठा था कई साल पहले। और चुनाव में गोष्ठी की जनता ने भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया, हमारे मन में एक ऊर्जा थी कि नई सरकार स्थापित हो, जो आप लोगों की 14 साल की सरकार थी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जहां विकास की प्रगति की एक लंबी लकीर खींची गई थी, मेरी भी आराधना थी, मेरी भी आशा थी, कि जो शिवराज सिंह जी की लंबी लकीर खींची गई है प्रगति की विकास की, उसके लंबी लकीर कांग्रेस की सरकार में बैठकर हम लोग खींचेंगे ग्वालियर चंबल और मध्य प्रदेश के। वो पुण्य परिवार की सदैव लक्ष्य रहा है, चाहे वे जाति पूर्ण कामना का साहब हो, चाहे वट महाराज रहे हो,
चाहे बीजेपी में रहे हो, कांग्रेस में रहे हो, आप और हम एक स्वर में कह सकते हैं कि उन दोनों का एक ही लक्ष्य, एक ही धर्म था, वो था विकास और प्रगति और गरीबों का उत्थान। और बाकी खून खून में है। मैं चाहता था गोद की प्रगति, मैं चाहता था मऊ की प्रगति, मैं चाहता था सिंचाई की योजना, मैं चाहता था सड़कें, मैं चाहता था बिजली की व्यवस्था। और इस नवजवान ने दिन रात एक करके आपका आशीर्वाद जब ग्रहण किया, जब वल्लभ भवन जाता था, कमलनाथ जी इनका चेहरा देख के ही दरवाजा बंद कर देते थे और कहते थे पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब रणदीप और हम और शिवराज सिंह जी मिलकर गोतक के लिए, मऊ के लिए सड़कों का मार्ग लेके आए हैं, एक एक गांव के लिए नल जल योजना लेके आए हैं, गोप के लिए पेयजल योजना लेके आए हैं, माखनतनगढ़ मैया की सिंचाई योजना हम लेके आए हैं 8 करोड़ की, तो आज कैसे कमलनाथ का बंद खजाना शिवराज सिंह जी ने और ज्योतिराज सिंह जी ने खोल के रख दिया गोहल के लिए। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का वल्लभ भवन को केंद्र बना दिया, आप लोग जानते हैं गोहद का एक परिवार में अगर भगवान न करे अगर कठिनाई हो गई होगी, कोई बीमार हो गया होगा, सरकारी अफसर हुआ होगा, ट्रांसफर के लिए अगर वल्लभ भवन जाते थे तो बोली लगती थी 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख की बोली। जो ट्रांसपोर्ट उद्योग मध्य प्रदेश में लगाए, जो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में लाए, उस सरकार को खून चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा। ना किसान का जिम्मा, ना महिला को 51,000 कन्यादान योजना में, ना बैंक नौजवानों को 4,000 रुपया प्रति महीना बेरोजगार भत्ता। जो सरकार अपने ग्रंथ को पूरा नहीं कर सकती, उस सरकार को कुर्सी से निकालकर नीचे लाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। तो आज ये चुनाव मेरे भाई और बहनों, तो कांग्रेस कहती है कि रणवीर जाटव गद्दार है, मनचंद्री नेता लोग बैठे हुए हैं जो बार बार विधायक बने हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, सांसद बने हैं, आप बैठे थे जिनमें कितनी लोग पंच सरपंच जनपद सदस्य बने हो, पार्षद बने हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सा पार्षद जिला पंचायत का सदस्य 15 महीने के अंदर अपनी पार्षदी को त्याग कर देगा, जनता के लिए कुर्बानी कर देगा। ये तो एक योद्धा है आपका मेरे भाई और बहनों, एक योद्धा है जिसने कुर्बानी अपनी दी है। और गद्दारी की बात की जाती है, मैं खुलेआम कहता हूं, सुन लीजिए दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, अगर गद्दारी की बात सुनना है तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के प्रति सबसे बड़े गद्दार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है मेरे भाई और बहन। ये चुनाव मत समझना कि ये चुनाव रणवीर का है, मत समझना कि ये चुनाव मत का चीन हमारे सभी बुजुर्गों का है,
ये कसम लेना कि ये चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ता है, ये कसम लेना कि ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं। और आपको चुनाव देना है, जनता को मेरा संदेश भेजना, एक तरफ एक जोड़ी है, छोटा भाई और बड़ा भाई। आजकल मैं देख रहा हूं बड़ी अच्छी स्थिति, चुनाव जब आते हैं दिग्विजय सिंह जी बदल के पीछे छिप जाते हैं। सही है कि नहीं? और चुनाव जब संपन्न होता है मुख्यमंत्री कमलनाथ लेकिन सुपर सीएम बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी बन जाते हैं। अरे सही के तो तालियों की गड़गड़ाहट से बताओ, तो जब तक तो संदेश दे दो, ये चुनाव नौजवान का नहीं है, जब तक 3 तारीख को एक बटन है जिस पर चेहरा है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी, और एक तक कमल के फूल के निशान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी। मुझे याद है 1980 में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे मोतीलाल वोरा जी, और उन सबसे एक ज्योति चली थी, कहा जाता है था मोती माधव एक्सप्रेस रेलगाड़ी, विकास मोती माधव एक्सप्रेस। तो आज मैं गोहद की जनता से आपके जरिए अपील करना चाहता हूं, आपके सामने 40 साल पहले मोती माधव एक्सप्रेस की जोड़ी थी, आज आपके सामने शिव ज्योति की एक्सप्रेस की जोड़ी आपके सामने खड़ी है। ये चुनाव ग्वालियर चंबल संभाग के मान सम्मान ईमान और स्वाभिमान का चुनाव है। जब रणबीर जाटव के चेहरे दरवाजा बंद किया कमलनाथ ने, तो कमलनाथ जी ने बेइज्जती रणबीर जाटव की नहीं की है, बेइज्जती की है गोरख के मतदाताओं की और ग्वालियर चंबल संभाग की पार्टी की। तो कमल करते हो मेरे कार्यकर्ता, कब करते हो, कमर कस लो और ठान लो, आपके हाथ में झंडा है, कब फूल का झंडा है, सिंधिया परिवार का झंडा है, और दो दो झंडे एक मिलकर उन झंडों का मान और स्वाभिमान आपके हाथ में है, ऐसे घर के रख रहा गोहद में कि कांग्रेस की सफाई पुस्त से हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।